जितना मेरा मुंह है ना उससे बड़ा सर का डॉलर ये देख लो। तो भाई आज की वीडियो होने वाली बड़ी दमदार शानदार और मजेदार, क्योंकि उठक उठक के पटक पटक के धोखे वैसे नहीं करना, खाना खाने आए हैं पर आए हैं इस रिंग में खाने। अब रिंग में साथ में एक बंदा और हमारे खाना खाएगा, बंदा नहीं आप कह सकते पहाड़ बोल सकते हो। भाई ये चेक करो द ग्रेट खली ढाबा की किचन में हूँ, बहुत ही बड़ी किचन है, जितना बड़ा ढाबा उतनी बड़ी किचन है और उससे भाई बड़ी है ये थालियों का साइज, ये देखो लग रही है अपनी द ग्रेट खली स्पेशल थाली। भाई शेफ साहब लगाने लगे हैं द ग्रेट खली थाली की सबसे पहली आइटम। शेफ साहब क्या आएगी पहली आइटम? पनीर और साथ में दो प्याज लगने वाले भाई, और किचन की जो वाइब है यहाँ पे बहुत ही कमाल। जैसे सर खली सर बड़े हैं वैसे किचन भी बड़ी रखी हुई है, क्या बात है जी। भाई जैसे रिंग में खली साहब बम गिराते थे ना अपने ओपोनेंट को पटक पटक के धोते थे, वैसे शेफ साहब कढ़ाई में बम गिरा रहे हैं। ये हो गया भाई पनीर दो प्याजा तैयार, वाह एकदम थिक ग्रेवी शेफ साहब है ना। आ गई थाली की अपनी सेकेंड आइटम, शेफ साहब क्या वेज अमृतसरी छोले, और भाई येलो दाल भी तैयार है छोले भी तैयार हैं एकदम बढ़िया गर्मा गर्म। ये आ गया जी मिक्स वेज पुलाव एकदम बढ़िया सब्जियों से भरा हुआ। भाई ये द ग्रेट खली थाली का आ गया कड़ाही पनीर, सर यहाँ पे लग रही है द ग्रेट खली स्पेशल थाली, इसमें आती है हमारे सबसे पहले येलो दाल तड़का, और इसमें दाल में दूसरी आती है दाल मखनी बहुत ही बढ़िया, उसके बाद आती है सर हमारे यहाँ पर कड़ाही पनीर एकदम लाजवाब, वाह, और साथ माल में इसके मिक्स वेज वेजिटेबल एकदम सारे ताजे वेजिटेबल, और साथ में पंजाबी का स्वाद देते हैं हम यहाँ पे अमृतसरी छोले, अमृतसरी छोले क्या बात है, और राइस में देते हैं यहाँ पर सर एक हम देते हैं प्लेन राइस, वाह, और साथ में हम देते हैं वेजिटेबल पुलाव बहुत ही बढ़िया। शेफ साहब वेट क्या होगा इस थाली का? 4.5। भाई 4.5 किलो की थाली है, जैसे खली सर बड़े हैं रिंग में बड़े बड़े रेसलरों को ने उठा के पटका पटकते, वैसे ही यहाँ पर थाली भी ऐसी है, क्या बात है, वैसे ही बड़ी थाली रखी गई है, थाली है बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे रहते हैं मिक्स रहता, और खली सर की फेवरेट है ना जी प्लेन रायता दही भी है कर्ड भी है, और साथ में देते हैं गुलाब जामुन केसर खीर, हमारे शेफ लोग हैं यहाँ पर जो कि एक से एक बढ़िया चीज बना के देते हैं आप लोगों को, बटर नान मिस्सी रोटी लच्छा पराठा और चपाती। भाई ये थाली देख लो द ग्रेट खली ढाबा पे आओ और घर से जो चीज सोच के आओगे मुझे खानी है वो इस थाली में मिल जाएगी, मिलेगी जरूर मिलेगी सर, क्या बात है, अवेलेबल 24 अवेलेबल है 24 घंटे है ना 24, बहुत ही बढ़िया हेल्थी के लिए तो सबसे बढ़िया है, ग्रीन सैलेड साथ में चटनी है, वाह मिंट सॉस है और रोस्टेड पापड़ है बहुत ही बढ़िया। यार ये आगे खली सर हमारे पास, थैंक यू आपने सर टाइम दिया मेरे को, थोड़ा ऊपर देख के आपसे थोड़ा बात करना पड़ रहा है, फर्स्ट फ्लोर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है भाई, देख लो मैं खड़ा हुआ हूँ आपको लग रहा होगा बैठा हूँ, क्योंकि मैं खड़ा होकर मतलब सर के बराबर ही आ रहा हूँ, अब इतनी सर की हाइट है, जितनी उनकी हाइट है जितना उनका दिल बड़ा है शरीर बड़ा है वैसी भाली है यहाँ, ये देखो आप मेरा तो पूरा जोर लग गया, खली सर ने अभी एक उंगली लगाई अपनी, जैसे खली सर का ग्रेट डॉलर सर एक बार दिखाई, थाली चेक करो ये जो सेहत है ना 7 फुट का कद ऐसे नहीं बनता भाई, बनता देसी की खाते पहले सर हिमाचल में, अब रहे हिमाचल में पंजाब का भी खाया पूरा इंडिया का प्यार लिया, अब वो जो सारी जगह को खाना आपने के थाली में बना दिया ना सर, बिल्कुल ये देखो मतलब कि आपको हिमाचल का खाना भी है और पंजाब का भी है हरियाणा का भी है और साउथ का भी है, सारा मतलब इकट्ठा किया है हमने, तब जाके ग्रेट खली थाली बनी है, और जो एक अच्छे हेल्थ के लिए खाना होना चाहिए तो वो हमने इकट्ठा किया सारा। तो एक बार सर बताइएगा अपनी थाली के बारे में कितनी आइटम्स है इसमें? इसमें देखिए बंदाओ ये भी ये राइस वाइट राइस पुलाव पुलाव आ गया मिक्स वेज है जी, वेज, साथ में दाल है चने की दाल बटर पनीर दाल, ये दाल आ गई येलो दाल दही रायता और खीर पुलाव, क्या बात है।
एक यार और चीज़ देखो जो मेरे को बड़ा देख के ना, टीवी में तो हम देखते हैं, टीवी में सर का साइज बड़ा लगता है, पर असल में देखो ये देखो सर आप क्या कदर है बोलो। मैं भी ग्रेट खाली ढाबे का खाना नहीं ना खाया, पहली बार खाया तो हाथ बड़ा होगा। ये देखो भाई छोटा क्यों है आप हाथ, ये देखो भाई ये देख लो, ये वो हाथ है, ये देखो एक बार हाथ, ये वो हाथ है। ये क्या लगाया आपने? ये चोट लग गई सर, चोट लगी आते वक्त ज्यादा मेरे को दिल में ना वो था, था। हाँ। तो ये सर का वो हाथ है जिसका ना एक हाथ पड़े अंडरटेकर गिरा, लोग कहते थे भाई अंडरटेकर से बड़ा चैंपियन है। अब सर वो क्या बना दिया था उसका, वो मतलब वो समझो वो कर दिया था सर ने वैसे, मतलब वो भी वो टीवी पे सीन देखता हुआ उसके सर आत्मा निकल के बाहर वापस आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल खाली ने दबाया था अंदर बाहर जाती है, अंदर बाहर जाती है। तो भाई जो पहलवान है ना वो भी तभी पहलवान बनते जो देसी की बढ़िया खाते, खाना बढ़िया खाते। तो खाना बढ़िया साथ में आओ आपको दिखाते क्या क्या रहता है इसमें। लच्छा पराठा सर आप भी लीजिए, चम्मच से नहीं मजा आता है भाई। ये रही बाइट देसी घी देखो आप, क्या बात है एकदम देसी घी निकल रहा है। और खाली सर काइंडली चीयर्स, बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा है ना, कमाल है सर, बढ़िया देसी घी बना हुआ है। और कहावत है ना लोग कहते हैं हलवाई अपना खाना आप नहीं खाता, पर देखो जिनका ढाबा अपनी रोटी आप खा रहे हैं और यही खाते हैं, रोज इनका लंच यही होता सर आपका। बिल्कुल लंच डिनर क्या बात है, तो बढ़िया खाना है और बढ़िया वाइब है। मतलब आप अगर वही 90s के किड हो ना जिन्होंने बचपन में उनको टीवी पे देखा है बड़े बड़े रेसलर को धोते हुए, अगर वो मेमोरी आपको ताज़ा करनी है लाइव देखना है इनको, तो यहाँ पे आओ बढ़िया सा खाना खाओ। और ये थाली लगवाओगे ना ग्रेट खाली थाली भाई, पूरी फैमिली एक थाली खाएगी और पूरा मजा लेगी। और मौका मिले तो खली सर से भी मिल सकते हो। बिल्कुल सर बिल्कुल आ सकते हो आप। भाई ये देख लो मैं पास दिखाता हूँ, ये देखो मतलब अगर किसी को लंबे भी होना ना तो खली सर के डोले के साथ लटक लटक के भाई हो सकते हैं, इतनी हाई टाइप की चिनअप्स लगा सकते हैं। तो आपका सर फेवरेट खाने में क्या रहता है वैसे, वेज खाने में? दाल दाल फेवरेट आपकी? बहुत ही बढ़िया भाई, वीडियो बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना। और जब भी आप आओ करनाल दिल्ली जाओ पंजाब से एयरपोर्ट की तरफ, तो भाई स्टॉप मारो करनाल से पहले द ग्रेट खली ढाबा, खाना खा के ना निराश नहीं होगे, मजा आ जाएगा पूरा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है खली जी के लिए कमेंट में पूछ लेना, पहुंच जाएगा अगर पहुंचना हुआ अब तक। मेरे तो जो सवाल थे मैंने अंदर ही दबा लिया क्योंकि भाई हाथ बहुत बड़ा है, एक बार सर मुंह पे लगा के खा ना ये देखो आगे सिर्फ अंधेरा, मतलब हाथ नहीं है भाई, गुफा का दरवाजा बंद हो गया मेरे लिए, आगे कुछ दिख नहीं रहा था। थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सर। आप खाना खाइए, खाना बहुत, खाना बहुत एंजॉय करिए जी सर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और रेसलिंग जरूर देख के जाइए आप, रेसलिंग देख के जाएंगे सर, करके नहीं जाएंगे कोई देख करना नहीं, आप तो ऐसे उंगली करेंगे मेरे सर कुछ ना कुछ हो जाएगा, करना नहीं आपने जैसे सब देखना है। वो डायलॉग है ना, एक 2.5 किलो का हाथ है भाई, ये 2.5 क्विंटल का हाथ है, 2.5 क्विंटल का हाथ है। दिल मेरे मुंह में आ गया, बस मान लो, बाकी वीडियो खत्म करते और मिलते हैं।